हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को 342 शहरों को सम्मानित करेंगे जिन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गार्बेज फ्री सिटी और सफाई मित्र चैलेंज की श्रेणी में पुरस्कार दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि शहरों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और ये राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में होगा। रविवार तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान साइबर क्राइम, डेटा गवर्नेंस, आतंकरोधी अभियान और नक्सलवाद से निपटने की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। आमतौर पर यह सम्मेलन दिल्ली में होता था, लेकिन मोदी के पीएम बनने के बाद से ये दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीजीपी और आईजीपी के 56वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए शाह ने माओवादी हिंसा और साइबर अपराध जैसे सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित कार्रवाई पर जोर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा है कि भारत और चीन के संबंध खराब दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि बीजिंग ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे समझौता का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा है कि उल्लंघनों के लिए उनके पास अब तक कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। ये बताना अब चीनी नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो द्विपक्षीय संबंधों को किस ओर ले जाना चाहते हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर सख्ती जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए कृषि कानून की वापसी की घोषणा पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में शराबबंदी की समीक्षा के बाद की सख्ती को लेकर तेज प्रताप यादव ने तंज कसा। उधर दरभंगा में एक युवक ने थाना में घुसकर एक दरोगा को पीट डाला। कृषि कानून को रद्द करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इस सुधार को बड़ा धक्का लगा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो कमेटी की रिपोर्ट जारी करे, अन्यथा वो खुद इसे सार्वजनिक करेंगे ताकि लोग उसे जाने और उस पर चर्चा हो। कमेटी के सदस्य और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने शुक्रवार को ये बात कही। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपित कारोबारी मेहुल चौकसी ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,500 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। उसने वरिष्ठ वकील विजय अग्रवाल के जरिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण थमने का नाम ही नहीं ले रहा। स्मॉग की चादर से दिल्ली एनसीआर ढकी हुई है। वायु गुणवत्ता की बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। आज फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 के पास रहा। वहीं गुरुवार को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर इंडेक्स 300 के पार रहा। हालांकि माना जा रहा है कि हवा की रफ्तार बढ़ने पर रविवार से प्रदूषण घटने लगेगा। बारिश बाढ़ से अभी तक देश के दक्षिण राज्य जूझ रहे हैं। केरल में लगातार हो रही बारिश के चलते पथानमथिट्टा पंबा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए पंबा और सबरीमाला की तीर्थयात्रा आज यानी 20 नवंबर के लिए प्रतिबंधित कर दी गई है। जिला कलेक्ट्रेट दिव्य एस अय्यर ने इसकी जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिससे इस सप्ताह कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं आंध्र और तमिलनाडु में बाढ़ के कारण जनजीवन लगातार अस्त व्यस्त हो गया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए कॉरिडोर से होकर पाकिस्तान जाएंगे। साथ शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह और परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग भी होंगे। उन्हें 18 नवंबर को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के जत्थे के साथ जाने की अनुमति नहीं मिल पाई थी। सिद्धू इसे बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लांघा यानी कॉरिडोर खुल गया है, इसके साथ ही असंख्य संभावनाएं भी खुली है। मैं वहां जाकर पंजाब की तरक्की की नई राह पर बात करूंगा। दो अमेरिकी संसदों ने कांग्रेस में विवादित प्रस्ताव पेश किया है। संसदों ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि यदि 2024 के बाद व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका रूस की मान्यता खत्म कर देता है। बता दें कि राष्ट्रपति के रूप में पुतिन का कार्यकाल 2024 में समाप्त होने वाला है और वो अपने राष्ट्रपति पद के दौरान किए गए संवैधानिक संशोधनों के तहत दो और कार्यकाल तक रूसी सरकार के प्रमुख बने रह सकते हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।